लेकिन मैं इस समय सैकड़ों फीट नीचे एक गुफा में उतर रहा हूँ जो पृथ्वी में 5 किलोमीटर से ज्यादा गहरी है। चाहे हमें ये पसंद हो या ना हो, जैसे ही मैं और मेरे दोस्त जमीन को छुएंगे, हम यहाँ फंसे रहेंगे अगले 7 दिनों तक। मैंने शायद कभी कुछ इतना खतरनाक नहीं किया होगा। सबसे पहली चीज, हमें वहाँ से दूर जाना होगा जहाँ से हम नीचे आए थे। क्यों? अगर तूफान आया तो ये जगह बाढ़ की चपेट में आ सकती है, समुद्र की तरह भर सकती है और हमें डुबो भी सकती है। इसीलिए हम बेस कैंप गुफा में आगे लगाने वाले हैं। ये काफी अजीब है, यहाँ की दुनिया तो अलग है दोस्त। इस गुफा की एंट्रेंस भले ही सुंदर है, लेकिन दिखावट पर नहीं जाना चाहिए। हम सब ये जानते नहीं थे, लेकिन अगले 7 दिन हमारी जिंदगी का सबसे मुश्किल समय होने वाला था। ये बहुत बुरा आइडिया था। ठीक है, कुछ घंटों में अंधेरा हो जाएगा और अगर हमारे पास कैंप नहीं होगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं पता भी है कि तुम कहाँ जा रहे हो। हम कैंप के लिए फ्लैट जमीन ढूंढ रहे हैं। गुफा के अंदर आने पर हमें अचानक आने वाली बाढ़ से बचने के लिए ऊंचाई पर एक जगह मिली, जिसका मतलब है कि ये हमारे कैंप के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। परफेक्ट गलत शब्द होगा, मैं इसे ठीक जगह कहूँ, कैंप के लिए अच्छा है। हमने पहले दिन का बाकी समय अपनी सप्लाईज को जुटाने में लगा दिया। इनमें हर बैग का वजन 36 किलो है और जैसा कि आप फुटेज में देख सकते हैं, हमने लगभग 4 घंटे बिताए। इसे पार करना बहुत मुश्किल है। हम ये सब हमारे बेस कैंप तक ले जा रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ कुछ लाइटें जला रखी हैं। हमारे सप्लाईज फाइनली हमारे बेस कैंप तक आ गए और अगर तुम कैमरा उधर घुमाओगे तो आपको दिखेगा वहाँ कितना अंधेरा है। इसमें पूरा दिन लग गया और इसीलिए हमने कैंपिंग के लिए कम से कम तैयारी की है। हमने कुछ रस्सियां लटकाने के लिए होल्स किए। इन्हें पकड़ो, खुद को ऊपर खींचो। लगता है ये बिस्तर को संभालने के लिए सही होगी और हमारे सर्वाइवल गाइड जोल की मदद से हमने बिस्तर लटका दिए। ये पतली सी रस्सी मेरे बिस्तर को संभालेगी। रात का खाना खाया और जोरदार ठंड के लिए तैयार हो गए। सच कहूं तो मैंने जितना सोचा था, ये बिस्तर उससे कहीं ज्यादा कंफर्टेबल है। ये गुफा 2.5 किलोमीटर गहरी है और हम अभी इसके एंट्रेंस पर ही कैंपिंग कर रहे हैं। कल हमें काफी कुछ एक्सप्लोर करना है। तुम लोगों की नींद कैसी रही? बुरी तरह। मैं नहीं सोया। बहुत ही उलझन भरा माहौल है। गुफा के ऊपर से लगातार पानी टपक रहा है। हमने अपने ऊपर एक टार्प डाला, लेकिन फिर भी पानी हमारे बिस्तरों में आ रहा है। मैं एक आइडिया दूं, चलो अपने कैंप को और बेहतर बनाते हैं। हमें इन टार्प्स को जोड़ देना चाहिए ताकि यहाँ सोते वक्त हम सूखे रहें। बहुत अच्छा आइडिया है। मैं सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं हूँ, ठीक है? मेरा बिस्तर यहाँ तक निकलता है। ये कोई मजाक है, मैं अभी अभी अपने बिस्तर से निकला था यार। और हमें उस समय समझ नहीं आया, लेकिन ये गड्ढा लगभग 40 फीट गहरा है। तो जब शॉन और मैंने सुपर टॉप पर काम करना शुरू किया, मैक और काल ये देखने गए कि ये गड्ढा कितना खतरनाक है। वहाँ ऊपर मेरा बिस्तर देख सकते हो, मैं वही सोया था। अब ये देखो, क्योंकि यहाँ सब कुछ एक जैसा दिखता है और गुफा में हमें ट्रैक करना शायद काफी मुश्किल होगा, इसीलिए इस मैप पर आप देख सकते हैं कि हमारा बेस कहाँ है और वो कितनी दूर जा रहा है। ठीक है मैक, कल हो ना हो। ये पागलपन है। जब तक बॉयज एक्सप्लोर कर रहे हैं, मुझे और शॉन को कैंप पर काम करना पड़ रहा है। यहाँ ये स्लीपिंग बैग क्यों पड़ा है? इसमें टॉयलेट जैसी बदबू आ रही थी। लेसन नंबर 1, किराए के स्लीपिंग बैग्स मत लेना। हमने स्लीपिंग बैग्स किराए पर नहीं पता। हमने ये स्लीपिंग बैग्स खरीदे क्यों नहीं? हम टॉप्स को जोड़कर एक बड़ा टॉप बना रहे हैं। मेरी जिंदगी अब बस इस रस्सी के सहारे है। और इस बीच मैक और काल अब भी गड्ढे में थे। ओह माय गॉड मैक। और आखिरकार वो कुछ समय बाद नीचे पहुंच गए। हमें इस वक्त कैंप पर काम करना चाहिए। हम बस ये दिखाना चाहते थे कि कैंप कितना खतरनाक है। बस गिर मत जाना, वरना मैं नहीं निकालूंगा। ओके। हालांकि उन्हें वापस आ जाना चाहिए था। काल और मैक ये देखना चाहते थे कि वो कितनी गहराई तक जा सकते हैं। ब्रो, ये सच में पागलपन है। तुम्हें लगता है तुम ये नदी पार कर पाओगे? Car rentals, flights and stays. Including the most gentle wake up service. Booking.com, booking.yeah. डव इंटेंस रिपेयर, जो डैमेज रिपेयर पहले वॉश से शुरू करें। डव इंटेंस रिपेयर। लेकिन इन दोनों को नहीं पता था कि ये नदी पूरे गुफा में फैली हुई है, जिसका मतलब है कि हमें इसमें कुछ समय बिताना पड़ेगा। लो आ गए। हाय। ये तो भी खाना बन चुका है। हाँ बन चुका है। सही कहा। एक नया घर है ना? Let's go. अब हमारे पास एक छत। क्या बात है, मानना पड़ेगा तुम लोगों ने कमाल कर दिया। और हमने फायर पिट को इस छोटी सी गुफा में रखा है, तो क्या कहते हो? गर्म है, काफी कोजी है। ये चट्टानें यहाँ गर्मी को कैद करती हैं और ऊपर से आने वाले टॉयलेट को ब्लॉक करती है। वो टॉयलेट नहीं है। तो फिर मैं उसे क्या कहूँ? पता नहीं, शायद बारिश या कुछ और। लेकिन ये बारिश नहीं है, ऊपर पत्थर है। ऊपर देखो, ऊपर बादल नहीं पत्थर है। ये बारिश नहीं है, पत्थर का टॉयलेट। पत्थर का टॉयलेट।
पत्थर का टॉयलेट और देखा मैंने कहा था ना। और एक सूखी रात की नींद के बाद हमने जोल हमारे सर्वाइवल एक्सपर्ट को मदद के लिए बुलाया ताकि हम गुफा के अंत तक पहुंच सके। केव 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 केव। चलो देखते हैं हम गुफा के कितनी गहराई तक पहुंच सकते हैं। ध्यान रहे कि हम अभी इस विशाल गुफा के शुरुआत में हैं और हमारा गोल है इसे पूरी तरह से पार करना, ऑफ कोर्स बिना अपनी जान गवाए। ओह माय गॉश, ये तो बहुत गहरा है। तुमने अब तक कुछ नहीं देखा, हम गुफा की गहराई में जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अपने पेट अंदर कर लो, यहाँ मामला टाइट होने वाला है। मुझे नहीं लगता मैं इसमें फिट हो पाऊंगा। गुफा की खोज का दिलचस्प हिस्सा ये है कि आप पत्थरों की दरारों में मुश्किल से फिट हो पाते हो। ओह माय गॉड, यहाँ जगह बहुत कम है। और कभी कभी आप एक बड़े से चेंबर में होते हो, इतना बड़ा कि हमें इसे देखने के लिए ये करना पड़ा। ओह माय गॉड, अब मैं देख पा रहा हूँ, मजा आ गया। ये कितनी चमकदार है, देखो तो ये कितना शानदार है। रोशनी इतनी तेज है कि मैं देख भी नहीं सकता। मैं तो अंधा हो रहा हूँ। ओ नहीं, सोचने पर लग रहा है कि शायद हमने इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल नहीं किया। रास्ता दिखाओ। और इसी तरह हम आगे बढ़े। संभल के, यहाँ पकड़ने के लिए एक हैंडल है इधर, और फिर तुम आसानी से अपने पैर को यहाँ रख सकते हो इस तरह। हाँ, परफेक्ट। जोल सबसे अच्छा केव गाइड। अब तक सब जिंदा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से चीजें दिलचस्प हो जाती है। क्या ये क्या है? तो अब से वेट सूट पहनने होंगे, हम सब तैरने वाले हैं। कल मैक और कार्ल इसके बारे में मजाक कर रहे थे, लेकिन इस गुफा के एडवेंचर का बाकी हिस्सा एक जमा देने वाली नदी में होता है। ओह माय गॉड, ये पागलपन है। वेट सूट ही एक तरीका है जिससे हाइपोथर्मिया से बचा जा सकता है। हम ये क्यों कर रहे हैं? ये जिंदगी में एक ही बार करने मिलेगा, क्योंकि उसके बाद तुम मर जाते हो, समझे? गुफा के अंत तक पहुंचने के लिए हमें इस नदी में कूदना होगा और पत्थरों के बीच से होकर तेजी से बहती नदी को पार करना होगा और सावधानी से इनके बीच से गुजरना होगा। धीरे धीरे चलो, इससे तुम्हारे पैर पीछे जाएंगे। ठीक है, मैं नदी में जा रहा हूँ। ध्यान से लेफ्ट साइड की दीवारों को फॉलो करो। ये बहुत ठंडा है। तुम कर लोगे जिमी। पता नहीं मैं फिर डूब पाऊंगा या नहीं। जिमी, मैं चाहता हूँ कि तुम पानी से बाहर निकलो। ओह माय गॉड, इसको करना पागलपन है। ये कितना ठंडा है। क्योंकि जब आप पूरी तरह से ठंडे पानी में डूबे होते हो तो पत्थरों को पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। ओह माय गॉड, ये तो पागलपन था। मैं कॉल, चलो। मुझे डर लग रहा है ब्रो। तुम कर सकते हो, जारी रखो। देखो ये कितना मुश्किल है। हालांकि ये बड़ा मुश्किल था, पर आगे आने वाली मुश्किलों के सामने ये कुछ नहीं। हमने कर दिया। के, 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 बॉय, के। हम 10% काम पूरा कर चुके हैं, जिसका मतलब है कि ये बस एडवेंचर की शुरुआत है और अंत तक पहुंचने के लिए अभी 2 किलोमीटर बाकी है। जैसा कि तुम देख सकते हो, इस गुफा में 24 घंटे बारिश होती रहती है, इसलिए मैं हमारे लिए एक आरामदायक जगह बना रहा हूँ ताकि हम सूखे रहें। मुझे जानना है कि अगर मैं यहाँ नहीं होता तो ये सब कैसे बन पाता। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो गीले पत्थर में ही सो जाते। हमें जल्दी चलना चाहिए क्योंकि अब हमारे शरीर गीले हो चुके हैं, इसलिए तापमान तेजी से गिरने वाला है। ये इतना मुश्किल क्यों है? सबसे बुरी बात यह है कि हम जितना इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं हमें उतना ही वापस अपने कैंप तक जाना होगा। हमारा अगला ऑब्स्टिकल पानी से बाहर हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो आसान होगा। ओ, क्या ये मकड़ी का जाल है? पर यहाँ मकड़ी है ही नहीं। इसका मतलब वो हम पर हो सकती है। तुम्हारे ऊपर ऊपर है। मुझे इनसे नफरत है। ये गुफा एक मिस्टर बीस्ट वीडियो की तरह है, जितना आगे बढ़ते हो उतना मुश्किल होता है। सच कहूँ तो अगर हमारे पास जोल नहीं होता तो मैं जिंदा नहीं होता। और 3 घंटे बाद जोल के पास हमारे लिए बुरी खबर थी। पानी बहुत ऊंचा है और हमने बहुत समय बर्बाद किया है। हमें आज के लिए वापस लौटना होगा और कैंप में जाना होगा। मैं असहमत हूँ। तुम सेफ्टी एक्सपर्ट से असहमत नहीं हो सकते। फिर भी मैं असहमत हूँ। जो भी हो, हमें इनकी बात माननी होगी। हमने फिल्म बनाने और फ्लेयर के साथ खेलने में बहुत समय बर्बाद कर दिया, इस हद तक कि हमें अभी रिस्टार्ट करना होगा और इस मिशन को कल फिर से शुरू करना होगा। शॉन, हम वापस आ गए। जब हम नहीं थे तब तुमने क्या किया? उम्मीद है कि आप कोई गीला नहीं होगा। मुझे नहीं पता था तुमने लाइट्स पैक की। हाँ, ये शानदार है ना? अफसोस है कि आज हम सिर्फ 20% गुफा ही पार कर पाए, लेकिन भरोसा रखना कि हम किसी ना किसी तरह आखिर तक जरूर पहुंचेंगे। मुझे नहीं लगता ऐसा कभी नहीं होगा। हम चौथे दिन आराम कर सकते हैं और फिर 5वें दिन गुफा के अंत तक जाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे वहाँ क्या है। 3रा दिन बहुत मजेदार था। Download now.
हेलो, मेरा नाम साहिल है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं दोस्तों कि आप जानते हैं कि रोज़ाना लाखों लोग तजारत करके पैसे कमाते हैं। वो एक्सपर्ट ऑप्शन जैसे सॉफ्टवेयर से तजारत करके पैसे कमाते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं वो ये पैसे किस तरह कमाते हैं। और अपने प्ले स्टोर में जाएँ, वहाँ से एक्सपर्ट ऑप्शन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, जो यहाँ पर आपको $10,000 का फ्री डेमो अकाउंट मिल जाता है। यहाँ पर अपने मेन्यू में जाए, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ गोल्ड पे। सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपना मुनाफा बआसानी हासिल कर सकते हैं। आप ट्रेड में जब आपको लगे कि मैं नुकसान कर रहा हूँ, उसी टाइम आप उसको क्लिक करें और जो आपका बाकी रकम है आप उसको बआसानी वापस ले सकते हैं। मैं यहाँ पर $10 का बोली लगाता हूँ यहाँ पर, और मैं $10 की बोली लगाई है। आप ग्राफिक को फॉलो करें, मैं ग्राफिक को देख रहा हूँ और जब ये ऊपर जाएगा तो मैं इस पर वो करूँगा। और ये ग्राफिक ऊपर जा रहा है और यस, ये यहाँ पर मेरा ग्राफिक ऊपर गया और मैंने यहाँ पर पैसे कमाए। आप भी प्ले स्टोर से एक्सपर्ट ऑप्शन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें और मेरी तरह अपना किस्मत आजमाएं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। आपसे कल मिलता हूं। हमारी तीसरी और बुरी रात के बाद अगली सुबह हमारे दिमाग में बस एक ही चीज थी, एक गर्म शावर मिल जाए तो अभी मेरी जान बच सकती है। हाँ, शावर लेना सच में शानदार होगा। मैंने शावर नहीं लिया है 3-4 दिनों से। जैसा कि आप सोच सकते हैं, गुफा के अंदर नहाना आसान नहीं है। नदी के तल तक सुरक्षित पहुंचने के लिए हमें उस जगह तक हाइक करना पड़ा जहां से हमने शुरू किया था। ओह माय गॉड, मुझे अपना दिमाग फील हो रहा है, मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया। मेरा सर पूरी तरह से जम गया है। अपना सिर सुखाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। रुको, ये एक्चुअली काम कर रहा है। हाँ, ये काम कर रहा है। जब तुम्हारे पास ड्रोन हो तो हेयर ड्रायर की क्या जरूरत। और सूखने के बाद हम अपने आगे की प्लानिंग के लिए जोल के साथ बैठे। ये क्या है जोल? ये गुफा का मैप है। पिछली बार हमें तेज बहाव की वजह से रुकना पड़ा था, लेकिन बारिश धीमी हो गई है, इसलिए हमें कल गुफा के अंत तक पहुंचने का मौका मिल सकता है। इसमें बहुत मजा आने वाला है। पहले हमें कल की तरह कुछ उसी बहाव को पार करना होगा, बड़े चट्टानों से कूदना होगा और खुरदरी पत्थरों से बचना होगा। और अगर हम सब कुछ पार कर पाए तो फाइनली हम खूबसूरत ग्लो वॉर्म चेंबर तक पहुँच पाएंगे। हमें मत बताना कि वो कैसा दिखता है, वो हमारा सरप्राइज होगा। तुम्हें लगता है हम ये कर पाएंगे? वो नहीं, ये सब अभी मत सोचो, हम कर सकते हैं। कल की अच्छी तरह से प्लानिंग करने के बाद हमने आराम किया और अपनी एनर्जी वापस पाने के लिए फीस्टिबल स्मोर्स बनाए। सब लोग चीयर्स। ओ, जोल अपना पहला फीस्टिबल स्मोर्स खाने वाला है। ओके जोल, बी ऑनेस्ट, ये अच्छा है। तुम्हें अच्छा लगा? हाँ, अच्छा लगा। हमने चॉकलेट को पहले क्यों नहीं निकाला, अब ये 10 गुना ज्यादा मजेदार हो गया। सच में, अगर आपने फीस्टिबल्स के साथ स्मोर्स नहीं ट्राई किए हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। कल हम पूरी गुफा की खोज करने वाले हैं। कल मिलते हैं। तो हमने जितना हो सके सोने की कोशिश की और कल के एडवेंचर यानी गुफा के अंत तक जाने की तैयारी की। हम अपने जीवन के सबसे खतरनाक जर्नी पर जा रहे हैं। तीसरे दिन के एक्सपीरियंस और फिल्मिंग पर कम ध्यान देने की वजह से हम सब तेजी से आगे बढ़ पा रहे थे। ये पानी ठंडा है। बिल्कुल कल की तरह। शाबाश। और अपने सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ाने के लिए हम जोल के साथ एक और सर्वाइवल एक्सपर्ट को भी लाए। तीसरे दिन हमें यहीं पर रुकना पड़ा था। अब हम कैसा कर रहे हैं? हम बहुत बेहतर कर रहे हैं। हमारे पीछे पूरी तरह से अंधेरा है, हम कहाँ जाएं? ये जगह नैरो होती जा रही है, धारा भी तेज है, तो हम दीवारों का सहारा लेकर चढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। Oh God. हाँ, पहली चट्टान पर कूदो। कोने के आसपास भी कुछ अच्छी चट्टाने हैं जिनका सहारा ले सकते हो। यहाँ कितना अंधेरा है। अब कोई बेस नहीं है, मेरे पैर जमीन से बहुत ऊपर हैं। क्योंकि हम जमीन तक नहीं पहुँच पा रहे, इसका मतलब ये है कि अगर हमने अभी जाने दिया तो हम सीधे पानी के धार में बह जाएंगे। जोल, अब हम क्या करें? अपना हाथ यहाँ पर फंसाओ, पकड़ अच्छी मिलेगी। ओके, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ। जोल, पानी मुझे बहा ले जाएगा। मैं ये कैसे करूँ? तुम्हें खुद को वहाँ पर लाना होगा और फिर ये बहुत आसान हो जाएगा। मैं अंदर जाऊँ? हाँ, होल में। ये आज तक का सबसे खतरनाक चैलेंज होगा। हम गुफा के पहले से कहीं ज्यादा गहराई में हैं और अब हम हमारे पहले ऑब्स्टिकल के करीब पहुंचने वाले हैं। असल में पानी बार बार घूम रहा है, तो अगर तुम इसमें गिरते हो तो ये तुम्हें नीचे ले जाएगा और